नमस्कार आप सबको, हम हैं आप सबकी अपनी चिकमिक। आप हमका उहां ढूंढ रहे हैं और हम यहां कर रहे हैं आपका इंतजार। पता है जब हम शादी करके ससुराल गए ना, तो घर में क्या बाहर क्या सब लोग एक ही रट लगाए रहे, जल्दी से दो से तीन हो जाओ। लेकिन हम आपको बता दें, परिवार बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उसकी नींव मजबूत करना, बूझे? तो आज कौन सा नया बात बताने वाली हो? गजब, नया बात ये है कि आप बोलिए कॉन्डम। बस चुप हो गए, कहाँ गायब हो गए बड़बोले जी। खैर बताएंगे बाद में। तो आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल करके परिवार नियोजन को कैसे अपनाया जा सकता है और सुखी जीवन जिया जा सकता है। तो आइए सुने। अरे कमला और मदन भैया, आप दोनों इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, कल रात से हम दोनों एक बात पर बहस कर रहे हैं, अब आप ही बताइए दीदी। अरे पर हुआ क्या है? सुनो जी, हम क्या सोच रहे थे कि कल हम सैया दीदी के पास चले, वो खत्म हो गए है ना। ओहो, अरे तो क्या हुआ, अब बार बार उसका इस्तेमाल करना थोड़ी ना है, आगे का भी तो सोचना पड़ेगा ना। हा? आगे का क्या मतलब है आपका? अरे पगली, काकी बता रही थी कि शादी के बाद बच्चे करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है, और वैसे भी तुम तो 18 साल से बड़ी हो, क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप जी, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी हमने एक दूसरे को ठीक से जाना भी नहीं है। रिश्ता एक दूसरे के साथ समय बिताकर बातचीत करके एक दूसरे को समझने से ही मजबूत होता है। अरे मेरी प्यारी कमला, एक न एक दिन तो बच्चा करना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं है? और वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है जानने को। नहीं नहीं, पहले कॉन्डम लाओ उसके बाद। ओहो, अरे रोज रोज इसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता मुझे है? और कॉन्डम की बात करके सारा का सारा रोमांस खत्म कर दिया यार तुमने कमला है? ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने बोल दिया हम सैया दीदी के पास जा रहे हैं तो जा रहे हैं, अब जाओ सो जाओ। ठीक है, जैसी हमारी प्यारी पत्नी की इच्छा। तो ये बात है। वैसे मदन भैया, कमला तो ठीक ही बोल रही है, परिवार बढ़ाने से पहले जरूरी है उसकी नींव मजबूत करना। पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले, समझ ले, कुछ वक्त एक साथ बिताओ, फिर जब दोनों की मर्जी हो तब तीसरे को घर लाओ, ठीक है? पर दीदी, घर पर सभी बड़े तो कह रहे हैं कि अब बच्चे के बारे में सोचो, और आसपास के लोग भी बोलते रहते हैं। जी लोग तो हजार बात बोलते रहेंगे, तो क्या आप सारे चीजें करेंगे? पर फिर भी जवाब तो देना पड़ता है ना मुझे, और मुझे तो उन लोगों की बात सही लग रही है। हाँ देखो मदन भैया, शादी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। बच्चे को दुनिया में लाने से पहले उसके लिए योजना करनी पड़ती है, जैसे कि उसका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, सही खान पान, और आपको पता ही होगा कि गर्भावस्था भी कितना संवेदनशील समय होता है और उसमें भी बहुत देखभाल की जरूरत होती है। तो पहले गर्भ निरोधक जैसे कि कॉन्डम का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को समझो, फिर बाद में बच्चे के बारे में कोई फैसला करो। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। तो कुछ समझ में आया मदन भैया, परिवार नियोजन करने से जिंदगी में रोमांस खत्म नहीं होता, बल्कि आने वाला भविष्य और भी खुशहाल बनता है। हाँ दीदी, अब मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, नमस्कार। अरे गजब, तो सुने ना, सुखी और स्वस्थ परिवार की नींव के लिए परिवार नियोजन की समझ होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है अपने जीवन साथी से खुलकर बात करना। बस बस का बस बस बताइए तो, कौनो बस ट्रक नहीं आना है यहाँ, जानकारी से ही आपकी दिमाग की गाड़ी चलाओ। धन्यवाद।